आज विश्व में भारत की जो बहुत बड़ा सुनाम हो रहा है, वो सुनाम सबसे पहले हो रहा है कि दुनिया का सबसे कठिन क्षेत्र कोविड के मामले में। मैं जानबूझकर सीमाओं के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, वर्ल्ड्स वर्स्ट आउटब्रेक। सब जगह ये चौंकती भी चीखती भी हेडलाइंस हैं। आज हमारे सभी दोस्त, जानकार, आम आदमी, नागरिक अस्पताल में पलंग के लिए ही सिर्फ नहीं रो रहा है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, दवाइयों के लिए आज दवाई चोरी एक नया पेशा बन गया है, और दफन करने के लिए, कफन के लिए, शमशान घाट के लिए क्यू लगाने पड़ रहे हैं मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद। आज इस देश में जितना आक्रोश है उसका आप आंशिक रूप भी नहीं देख रहे हैं। और आज कुछ ही हफ्तों महीनों पहले, कुछ ही महीनों पहले हम अपने आप को भारत सरकार हमेशा की तरह पीठ थपथपा के बधाई दे रही थी कि हम एक ऐसा देश हैं जिसने विजय पा ली है कोरोना के ऊपर। वो ऐसे कई वक्तव्य कुछ महीनों पहले के आज आप समक्ष रखिए उसके, जहां 3.5 लाख इन्फेक्शन प्रतिदिन हैं और लगभग 2500 से 2800 मृत्यु हैं, और हम अभी अंडर रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ औपचारिक आंकड़ों की बात कर रहे हैं जो निश्चित रूप से अंडर रिपोर्टिंग है। आज चाहे हमको आप नंबर एक कहें या ब्राजील को एक कहें, हमारी गति ब्राजील के आगे जाने से बहुत ज़्यादा तेज है जाने के लिए। मृत्युओं में, फेटलिटीज में हम कम से कम दूसरे नंबर पे हैं, इन्फेक्शंस में हम पहले और दूसरे नंबर के बीच में हैं, और बहुत निकट भविष्य में सबसे आगे पहुंच जाएंगे। आज जहां हमारी पॉजिटिविटी रेट 3% सी है, पहले तो वैसे 3 से भी कम थी, आज 16% है, 5 गुना कुछ ही हफ्तों महीनों में। दिल्ली में 30,000 के लगभग केसेस प्रतिदिन हैं, आईसीयू प्रति बेड, आपको पता है आईसीयू में कितने पलंग होते हैं, कितने बेड्स होते हैं, एक बेड के लिए 353 लोग हैं प्रति 10 लाख की जनसंख्या में, ये नागपुर का आंकड़ा है।